हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंग्लिश की। जी हाँ, मैं स्पेशल इंग्लिश की वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ और ये वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो लगभग 3 या 4 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है वो 4 पार्ट्स में आता है। सबसे पहले रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल, उसके बाद टेक्स्ट बुक और फिर उसके बाद ग्रामर। इस टाइप से 4 पार्ट्स में आपका इंग्लिश का पेपर आता है और मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश में इतना फियर करना चाहिए जितना कि कमेंट्स में बच्चे बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, बहुत डर लग रहा है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि इंग्लिश को एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं बनाते हैं तो बिलीव मी, मेरा भरोसा कीजिए, अगर आपका 7th क्लास का इंग्लिश भी है और अगर वो कुछ भी पढ़ के नहीं जाता है और 10th के MP बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में उसको बिठा दिया जाए तो पास होकर आ सकता है। इतना सिंपल बच्चों आपका पेपर आता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप से आपका पेपर डिजाइन होता है। तो पेपर 4 पार्ट्स में आता है। सबसे पहला रीडिंग स्किल होता है। रीडिंग स्किल में आपके अनसीन पैसेजेस वगैरह आते हैं, 3 अनसीन पैसेजेस आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद राइटिंग स्किल आता है, सेक्शन बी। राइटिंग स्किल में लेटर, एप्लीकेशन, विजुअल, वर्बल और मैसेज, नोटिस वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद जो है ग्रामर आता है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स के ग्रामर में आपके टोटली ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी 10 मार्क्स के तो ये समझ लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं पूरे, उसमें से भी हमें कुछ वर्ड्स जो है छांट के लिखने पड़ते हैं। और उसके बाद जो 5 मार्क्स का डूएस डायरेक्टेड होता है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। और लास्ट में 25 मार्क्स का टेक्स्ट बुक में से आता है आपका। और टेक्स्ट बुक में से भी आप ये समझ लीजिए, अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं गए हैं उसके बावजूद भी 3 पोएम के एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, 2 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 पोएम के एक्सट्रैक्ट्स आते हैं जिसमें से आपको कुछ आंसर तो उस पोएम में से ही छांट कर लिखने पड़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक का रोल तो आप ये समझ लीजिए कि 15 से 20% होता है बस। तो टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस भी मैं अलग से आपको दे दूंगा। स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल की, आपको किस टाइप से नोटिस, मैसेज, लेटर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें लिखना है। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, फॉर्मेट्स बताऊंगा, पैटर्न्स बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। ये जो 30 मार्क्स का आपका ये पोर्शन आने वाला है राइटिंग स्किल का, आप ये वीडियो देखने के बाद आप इतने तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं अच्छे से तैयार है और बिल्कुल भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती है और सब कुछ है, लेकिन अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि 30 में से आप 15 मार्क्स के लिए तो संतुष्ट हो जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम बच्चों के राइटिंग स्किल आपका लगभग 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 चीज़ें आती है उसमें। सबसे पहला तो शॉर्ट कंपोजिशंस आते हैं, उसके बाद में नोटिस, मैसेज, टेलीग्राम, पोस्टकार्ड, ये आता है। उसके बाद आपका लेटर राइटिंग आता है, उसके बाद विजुअल, वर्बल जो हमें देखकर स्टोरी लिखना पड़ती है उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और लास्ट में आपका ऐसे राइटिंग आता है। इसमें मैं आपको सबके फॉर्मेट्स बताने वाला हूँ क्योंकि आप फॉर्मेट को ही फॉलो करके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैसेज लिखने के लिए दिया गया है और आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो मैसेज का जो फॉर्मेट है वही लिखकर अगर आप आ जाते हैं तो 5 मार्क्स का होता है टोटल, उसमें से आपको 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाते हैं। किस टाइप से वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम नोटिस की तरफ चलते हैं। नोटिस का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इस टाइप से कुछ नोटिस हमें लिखना होता है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नोटिस में इस टाइप से हमें नोटिस लिखना होता है। सबसे पहले तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्लेस, जो भी हमें क्वेश्चन में इंस्टीट्यूशन या प्लेस दिया जाएगा उसका नाम लिखेंगे, आधा मार्क्स आपको वहीं मिल जाता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आपको उसी के नीचे डेट लिखनी पड़ती है, डेट लिखने का आधा मार्क्स और मिल जाता है। उसके बाद कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना होता है, और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर नीचे हेडिंग डालनी होती है और जो भी टॉपिक होता है, जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन है तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन के बारे में हमें हेडिंग डालनी होती है, ये भी आपको क्वेश्चन में से मिलती है, इसका भी आधा मार्क्स मिलता है। और जो मेन बॉडी है हमारी नोटिस की जिसमें हमें मेन बात लिखनी है वो 3 मार्क्स की होती है। और लास्ट में साइन डेजिग्नेशन, मतलब जिसका भी नाम होगा, जो भी नोटिस लिख रहा है राइटर, उसका क्वेश्चन में आपको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको नाम दे ही दिया जाता है, वो नाम लिखेंगे और उसका क्या डेजिग्नेशन है, वो जनरल सेक्रेटरी है या कुछ भी है, वो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आप लिखेंगे तो आधा मार्क्स और मिल जाएगा। अब ये जो मेन बॉडी है जो 3 मार्क्स की है, इसमें आपको सिंपल करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है नोटिस में, किस चीज़ के बारे में हमें लिखना है वो हमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा जो है वेयर एंड व्हेन, कहाँ पर और कब वो चीज़ होने वाली है। तीसरा टारगेटेड ग्रुप, मतलब जिस ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में द पर्पज़ ऑफ नोटिस,
नोटिस का जो पर्पज है और लास्ट डेट जो भी है, इसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और क्वेश्चन में से ही आप ये सारी चीज़ें छांट कर लिख देंगे, तो कम से कम मेरा मानना यह है कि इन 3 में से आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो बच्चों, देखा आपने कि नोटिस का कितना सिंपल सा जो है पैटर्न है कि हम सिर्फ उसका फॉर्मेट फॉलो करके आ जाते हैं तो ही हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। और मेन बॉडी जो 3 मार्क्स की है उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन में से लिख देंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन नोटिस का आएगा थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो सामने वाला आपको फुल मार्क्स आपके नहीं काटेगा, कम से कम उसमें बीच में आपको 1 मार्क्स दे देगा। 1 मार्क्स ऊपर मिल गया, 1 मार्क्स नीचे मिल गया, ये 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। कितना सिंपल है। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है नोटिस के लिखते टाइम पे, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, आप देख सकते हैं उन्हें। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, नोटिस मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है हमें नोटिस। इट मस्ट बी डेटेड एंड हैव अ कैची हेडिंग। एक आई कैची हेडिंग होना चाहिए, जो भी हेडिंग है वो सामने वाला पढ़ के समझ जाए कि किस पर्पज के लिए नोटिस लिखा हुआ है, लिखा गया है। अगला पॉइंट है हमारे लिए कि द पर्पज ऑफ नोटिस मस्ट बी क्लियरली मेंशन। जो भी पर्पज है नोटिस का वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डेट टाइम वेन्यू ऑफ द एक्टिविटी मस्ट बी क्लियरली मेंशनड। डेट टाइम वेन्यू मतलब जिस जगह पर होने वाला है वो सारी चीज़ें जो है हमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आई और यू मस्ट नॉट बी यूज्ड। कभी भी हमें आई और यू का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। इट मस्ट बी साइंड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी जिसका भी नाम है जो इशू कर रहा है नोटिस, उसकी साइन होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एग्जाम में साइन वाइन तो नहीं करना है, जो भी नाम होगा वो नाम आपको नीचे लिख देना है, वही साइन का काम करेगा वहाँ पर। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है द नोटिस मस्ट बी रिटन इन द बॉक्स। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि बॉक्स में लिखा होना चाहिए नोटिस। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि 1 मार्क्स इज डिडक्टेड इफ़ इट क्रॉसेस 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है नोटिस के लिखते टाइम, और आप फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे 2 मार्क्स तो आपको यूँ ही मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर आप बॉडी में कुछ भी लिख के आएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 3 मार्क्स लाना कितना सिंपल है आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैसेज है। मैसेज किस टाइप से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैसेज का भी फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, मैसेज किस टाइप से लिखते हैं आप देख सकते हैं। जैसे कैपिटल लेटर में हमें मैसेज हेडिंग डालना होती है, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रीफ सैल्यूटेशन लिखना होता है, यानी जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं हाई वाई लिखना होता है, वो जो भी सैल्यूटेशन हम लिखते हैं डियर या हाई लिखेंगे तो वही सैल्यूटेशन के उसमें ही आ जाता है, वो आधे मार्क्स का होता है। राइट हैंड साइड पर डेट और टाइम लिखना होता है हमें, वो 1 मार्क्स का होता है। मेन कंटेंट हमारा 3 मार्क्स का होता है, और नीचे सबसे नीचे जो आधे मार्क्स का है वो नाम होता है जो राइटर है जो मैसेज लिख रहा है उसका। और इसमें भी अगर कंटेंट है आधे से ज़्यादा कंटेंट तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, तो बहुत सिंपल होता है। तो बच्चों, देखा आपने कितना सिंपल सा फॉर्मेट है मैसेज का, इसको फॉलो करके हम कम से कम, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो भी आप 2 मार्क्स तो ला सकते हैं। और उसके अलावा मेन बॉडी जो होती है मैसेज की वो 3 मार्क्स की होती है, तो उसमें अगर हम कुछ भी लिख देंगे, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, कुछ भी लिख देंगे होंगे, इसका मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में से मिल जाती है, अगर वहीं से देखकर हम लिख देंगे तो हमें सामने वाला कम से कम 1 मार्क्स तो देगा 3 में से। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि मैसेज लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है मैसेज लिखते टाइम। सबसे पहला जो पॉइंट है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट द मैसेज रीड द गिवन कन्वर्सेशन वेरी केयरफुली। जो भी कन्वर्सेशन दोनों के बीच में दिया हुआ है वो हमें अच्छे से पढ़ना होता है पहले। देन अंडरलाइन द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन विच यू वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द मैसेज। मैसेज से जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं, सामने वाले को बताना चाह रहे हैं, उस पार्ट को हमें अंडरलाइन कर लेना है। आप उसका कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी लाइन हमें मैसेज में लिखना है, क्या बताना है सामने वाले को। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, क्लियरली आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज़ राइटिंग द मैसेज एंड द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग। जिसको आप लिख रहे हैं और जो मैसेज लिख रहा है और जिसको लिखा जा रहा है, दोनों को हमें क्लियरली मेंशन करना है मैसेज में, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, द बॉडी ऑफ मैसेज मस्ट आंसर द क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलना चाहिए, जो मेन बॉडी है 3 मार्क्स की जो मैंने बताई थी उसमें, ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। सबसे पहले हु कॉल्ड, किसने कॉल किया था। उसके बाद में व्हाट वॉज द मैसेज, मैसेज क्या दिया गया है। When was the message written? कब मैसेज लिखा गया है, फॉर example डेट और टाइम हमें लिखना है। और फिर उसके बाद आखिरी में यह पॉइंट इसमें भी लिखा हुआ है कि 1 मार्क्स इज डिडक्टेड इफ़ इट क्रॉसेस 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें हमारा 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे मैसेज और नोटिस लिखते टाइम पे हमें 30, 40, 45 वर्ड में हमारा मैसेज और नोटिस कंप्लीट कर देना है, 50 वर्ड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए,
वरना आपका एक मार्क्स कट सकता है 50 वर्ड से ज्यादा अगर हम लिखेंगे। जनरली हमारी थिंकिंग ये होती है और हमें यही बताया जाता है कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंग्लिश में, जैसे मैसेज और नोटिस वगैरह, ये 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आना चाहिए। इसमें अगर ज़्यादा लिख देंगे तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला कंसेप्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसका पैटर्न अभी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग होती है हमारी इंडियन पोस्ट टेलीग्राफ, इस टाइप से जो हेडिंग है वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में राइट हैंड साइड पर हमें लिखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमें लिखना होता है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एज इट इज ऐसा लिखेंगे आप। सामने वाले का नाम नहीं लिखना है, जो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी वो के वही आपको लिखना है। फिर जो राइट हैंड साइड पर है नेम, नेम की जगह पर सामने वाले का नाम लिखना है हमें जिसको टेलीग्राम दिया जा रहा है। उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है, इसमें आपको एक मार्क्स मिल जाता है। फिर वहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है, जो मैसेज है अपने को लिखना है, मैसेज बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, एक या दो लाइन में पूरा मैसेज आ जाता है टेलीग्राम में। किस टाइप से आता है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैं आपको बताऊंगा, ये 3 मार्क्स का होता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपका नाम, सेंडर का नाम जो है लिखना पड़ता है, वो आधे मार्क्स का होता है। फिर आप देख रहे होंगे कि सेंडर एड्रेस, सेंडर का जो एड्रेस है वो लिखना होता है। फिर नीचे ब्रैकेट में आपको लिखना होता है नोट टू बी टेलीग्राफ्ड, ये लिखना होता है जब भी हम एग्जाम में टेलीग्राम लिख रहे हो, ये भी आधे मार्क्स का होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि कितना सिंपल है टेलीग्राम भी, टेलीग्राम का पैटर्न भी। इस टाइप से आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं और 3 मार्क्स की जो मेन बॉडी होती है उसको किस टाइप से लिखना है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप के पॉइंट्स है आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे। सबसे पहला पॉइंट है रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट मैसेज टू बी टेलीग्राफ्ड। जो टेलीग्राफ हमें मैसेज करना है उसको अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ के। एवरी वर्ड इन द टेलीग्राम कॉस्ट सो बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, हर वर्ड को हमें ऐसा लिखना है जिसका लंबा मतलब निकलता हो, यानी थोड़ा बड़ा मतलब निकलता हो, ऐसा वर्ड हमें लिखना है। यानी हमारा जो टेलीग्राम है उसको बड़ा नहीं करना है, लार्ज नहीं करना है, एक दो लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके ऐसे सोचकर कुछ वर्ड्स लिखने होंगे कि हमारा जो है एक दो लाइन में पूरा मैसेज सामने वाले को चले जाए। फिर थर्ड जो है पॉइंट है इसमें कि राइट इन कैपिटल लेटर्स, जो भी टेलीग्राफ की चीज़ है वो हमें पूरे कैपिटल लेटर में लिखना है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि पूरा के पूरा टेलीग्राम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है हमारा नेम ऑफ एड्रेसी एंड सेंडर्स नेम मस्ट बी क्लियरली रिटन, सेंडर नेम और एड्रेसी, सेंडर नेम और एड्रेसी का नेम क्लियरली रिटन होना चाहिए टेलीग्राम में। उसके बाद अगर आप देखेंगे अवॉइड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को हमें अवॉइड करना है, यानी ए एन द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। राइट ओनली द मेन वर्ड्स, जो मेन वर्ड्स हैं वो लिखना है हम। लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट स्टॉप आफ्टर एवरी सेंटेंस टू बी मैसेज, जो भी मैसेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कैपिटल लेटर में STOP स्टॉप लिखना जरूरी है टेलीग्राम। तो ये टेलीग्राम का पैटर्न हो गया बच्चों, चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। बच्चों हमारा अगला कंसेप्ट है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड किस टाइप से हमें लिखना होता है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप देख सकते हैं कि पोस्ट कार्ड में हमें सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखना है, वो आधे मार्क्स का है। जो भी है सामने वाले को हाय वगैरह जो भी हम कहते हैं वो सैल्यूटेशन होता है, वो जो है आधे मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद में राइट हैंड साइड पर प्लेस जहाँ से लिखा जा रहा है और डेट, आज की डेट मतलब जिस डेट पे वो लिखा गया है, वो भी आधे मार्क्स का होता है। बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी लेटर की बॉडी होती है वो 3 मार्क्स की होती है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे इसका जो दूसरा पेज है पोस्ट कार्ड का, उसमें लास्ट में लिखना है हमें यूर लविंगली, जो भी नाम दिया जाएगा क्वेश्चन में तो नाम लिखना है, वरना XYZ जो भी लिखना है लिखेंगे हम, तो इसके आधे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ये यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे एड्रेस ऑफ द एड्रेसी लिखेंगे, इसका आधा मार्क्स होता है यहाँ पर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी जिसको हमें मैसेज सेंड करना है, जिसको हमें पोस्ट कार्ड सेंड करना है उसका लिखा हुआ रहेगा। फिर ऊपर जो है राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे स्टाम्प लिखा हुआ है, वहाँ पर स्टाम्प लिखना है हमें, और नीचे जो है पिन कोड के बॉक्सेस छोड़ना है। तो इस टाइप से आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं और मेन बॉडी जो होती है वो 3 मार्क्स की होती है। तो पोस्ट कार्ड का ये पैटर्न है, ये फॉर्मेट है, आपने देखा होगा बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। अब पोस्ट कार्ड के लिए भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो आप देख लीजिए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा पोस्ट कार्ड के बारे में, वर्ड लिमिट भी यहाँ पर 50 दी हुई है, पोस्ट कार्ड की भी वर्ड लिमिट 50 होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 50 वर्ड्स के अंदर अंदर हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर पोस्ट कार्ड आर रिटन द सेम मैनर एज लेटर, लेटर जिस टाइप से लिखते हैं हम उसी सेम मैनर का हमें पोस्ट कार्ड लिखना है। लेटर कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में आप देखेंगे द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग, डेट, सैल्यूटेशन, कंटेंट, सब्सक्रिप्शन एंड द नेम ऑफ द सेंडर एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी शुड बी
कंपोनेंट ऑफ द पोस्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें पोस्ट कार्ड में होना चाहिए जो यहाँ पर अभी मेंशन की गई है। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्लियर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइड, जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पर जो है पोस्ट कार्ड में लिखना है। तो आपने देखा कि पोस्ट कार्ड भी कितना सिंपल है बच्चों, इन चीज़ों को का अभी आप नोट्स बना लीजिए, वीडियो आप देखते तो जा रहे हैं और अपनी कॉपी में एक बार नोट्स बना लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे उसको पढ़ें, या जब भी आप पढ़ें उसकी प्रैक्टिस करने के लिए तो आप नोट्स में से पढ़ें, बार बार वीडियो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ जो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का भी फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, 9 चीज़ों को हमें उसमें कवर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर उसका फॉर्मेट आ चुका होगा। तो ये 9 चीज़ें हमें कवर करना पड़ती है बच्चों। सबसे पहला जो है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का जो एड्रेस है वो लिखना पड़ता है और किस टाइप से लिखना पड़ता है वो नीचे दिया हुआ है, फ्रॉम करके जो एड्रेस है वो लिखना पड़ता है। फिर सेकेंड नंबर पर हमें राइट हैंड साइड पर ही एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही लिखना पड़ता है जिसको भेजा जा रहा है, टू लिखकर उसके आगे उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमें डेट डालनी पड़ती है आज की, और फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं कि डियर सर मैडम या डियर फ्रेंड या फिर जिसको भी हम नाम दिया गया है तो हमें जिसको भी लिखना है उसके आगे डियर लगा के हमें लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो लिखना पड़ता है, जो सब्जेक्ट है आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा इस टाइप से हमें लिखना पड़ता है। बॉडी ऑफ द लेटर, जो बॉडी ऑफ द लेटर होती है वो थोड़ी सी बड़ी हमें लिखना पड़ती है। फिर लास्ट में लिखना पड़ता है यू आर फेथफुली, यू आर लविंगली इस टाइप से, या यू आर ट्रूली इस टाइप से हमें लिखना पड़ता है। आठवें नंबर पर सिग्नेचर होती है और नाइन्थ नंबर पर जो है कैपिटल लेटर में नाम होता है आपका, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पर। तो बच्चों सिग्नेचर तो करना आपको ज़रूरी नहीं है, जैसा कि सिग्नेचर इसमें बताया है जो भी नाम होता है वही सिग्नेचर का काम करता है इसमें हमें एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। फिर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो हमें लेटर लिखते टाइम याद रखने हैं, वो भी अभी आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, आप देख सकते हैं उसे। आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एज एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स, जो भी फॉर्मेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि जितने भी स्टेप होंगी उन सबके मार्क्स दिए जाएंगे आपको, और स्टेप फॉलो नहीं होगी तो मार्क्स कटेंगे आपके। पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर मस्ट बी क्लियर, जो पर्पस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। द कंटेंट मस्ट बी डिवाइडेड इन 2-3 पैराग्राफ्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 150 वर्ड में लेटर होता है तो 2 या 3 पैराग्राफ में हमें पूरा डिवाइड कर देना है उसको। फिर फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट क्लियरली इंडिकेट द इशू यू आर गोइंग टू राइट इन द लेटर, जो भी इशू हम लिखना चाहते हैं वो पहले पैराग्राफ में अच्छे से इंडिकेट होना चाहिए, अच्छे से मेंशन होना चाहिए। फिर लास्ट वाला पॉइंट है वर्ड लिमिट मस्ट बी स्ट्रिक्टली अधेयर टू, जो भी वर्ड लिमिट दी गई है हमें, जैसे 150 वर्ड की होती है उसको अच्छे से जो है हमें फॉलो करना है क्योंकि हम कम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद होता है बच्चों विजुअल वगैरह, जो हमें पिछले साल जैसे क्वेश्चन पेपर में आया था कि वो एक कौवे वाला था कि एक कौवा होता है और इस टाइप से जो है हमें चित्र दिया जाता है और उसकी हमें कहानी लिखना पड़ती है, उसकी भी आपको लगभग जो है एक पेज में लिखना पड़ती है पूरी, लगभग अगर आपको 5 मार्क्स लाने हैं तो 1 से 1.5 पेज में आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ती है वो। उसके बाद लास्ट में हमारा ऐसे राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग में आपको बहुत सिंपली मार्क्स नहीं मिलते हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे, आपको मार्क्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे राइटिंग 7 मार्क्स का होता है, 7 में से अगर आपको 6 मार्क्स लाने भी हैं तो भी आपको कम से कम ऐसे 6 या 7 पेजेस में लिखना होगा, कम से कम 5 पेजेस में तो लिखना ही होगा तो ही आपको कम से कम वो 7 में से 6, 6.5 मार्क्स दे सकता है सामने वाला चेकर जो है, कॉपी चेकर। और उसमें भी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे राइटिंग की कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आप जो पहला पेज है उसमें जो पैराग्राफ हम लिखने वाले हैं उन सब की पूरी हेडिंग डाल लीजिए, तो ये आपका जो है आधा पेज तो यूं ही कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें वंडर ऑफ साइंस पे लिखना है तो वंडर ऑफ साइंस पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इन्वेंशंस ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इस टाइप से जो पूरा के पूरा हमें जो है लास्ट कंक्लूजन तक जो भी 6, 7, 8 पॉइंट्स हो सकते हैं वो हमें पहले मेंशन करना है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आपको अच्छा ब्रीफली देना है, कम से कम आधे पेज में आपका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। फिर इन द फील्ड ऑफ जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपको पूरा के पूरा 6-7 पेज में, कम से कम 5 पेज में तो आपका ऐसे आना चाहिए तो ही आपको कम से कम जो है 7 में से 6 मार्क्स सामने वाला दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कैसे सोचकर हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, पहले सोचो उसके बाद में लिखो, अगर याद है तो अलग बात है लेकिन इतना तो याद नहीं होता है, कम से कम हमने जो याद किया है वो 3-4 पेज का ही याद किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको मैं एक टिप देता हूँ कि पेपर हमारा बहुत बड़ा आता है, आपको आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि पेपर हमारा बहुत बड़ा आता है, उसमें बहुत से कंटेंट होते हैं, उस कंटेंट्स में से छांट कर भी आप आइडिया लगाकर या वो पूरा भी लिखेंगे
तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की, ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। वहाँ पर थोड़ी बहुत आप अपनी अकल लगा लीजिए, किस टाइप से आपको ऐसे को बड़ा करना है, किस टाइप से आपको, आपने जो 3 पेज का आप याद करके आए हैं उसको 6 पेज में 5 पेज में कन्वर्ट करना है, वो आप बखूबी जानते हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पैसेजेस वगैरह होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें से भी बहुत से वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सी स्पेलिंग्स मिल सकती है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से आपको ऐसे राइटिंग करना है। तो इस टाइप से बच्चों आज हमने 30 मार्क्स कवर किए हैं, 30 मार्क्स पूरे कवर कर लिए हैं किस टाइप से आपको करना है। और आपकी अगर इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो भी आपने फॉर्मेट्स देखे होंगे, उन फॉर्मेट्स को फॉलो करने के 30 में से अगर नहीं भी पढ़ने वाला बच्चा है तो 15 मार्क्स तो आराम से बहुत सिंपल तरीके से वो ले आएगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये फॉर्मेट्स सुनने के बाद और ये फॉर्मेट्स देखने के बाद कितने मार्क्स कहाँ मिलते हैं, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से अच्छा फील हो रहा है कि नहीं इंग्लिश में, ये आप बता दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स और कोलिग्स के साथ में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।